हाय हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम मनीष पवार है और मैं अपर लाइफ का एक सीनियर वेलनेस कोच हूँ। और जिस तरह से आप मेरे चैनल्स को प्यार दे रहे हैं, वही उसी तरह से आगे भी आप देंगे, यही मेरी इच्छा है और ख्वाहिश है। और आज मैं आपके लिए अमेजिंग इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। हमारा एक वर्ल्ड टीम ट्रेनिंग हुआ है और वर्ल्ड टीम ट्रेनिंग्स में कुछ मैंने नोट्स निकाले हैं, कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, राइट? ताकि जो भी सीनियर्स लीडर्स है उनको भी उसका बेनिफिट मिले। और ये ट्रेनिंग थी माधवी मैडम की, माधवी शेट्टी मैडम, और काफ़ी अमेजिंग ट्रेनिंग थी। हालांकि काफ़ी बार हमने उससे ट्रेनिंग लिया है, लेकिन हर बार कुछ हमें नया सीखने के लिए मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो पॉइंट्स मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये पॉइंट्स मे बी शायद आपको ऐसे लगे कि ये पहले सुने हुए रहेंगे या ये तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन शायद आप ये वीडियो आपके जो दूसरे लीडर्स हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। मेरा पर्सनली मेरा उद्देश्य यही है कि एवरी पर्सन जो भी अपर लाइफ का कोच है, एसोसिएट है, वो सक्सेसफुल हो जाए, राइट? सो वो बेसिस पे मैं कुछ नोट्स जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए और शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा अपर लाइफ का ब्रांडिंग चेंज हुआ है, लोगो चेंज हुआ है, तो हमारा जो बेसलाइन है वो भी चेंज हुआ है। तो वो लाइन है हमारा, लिव योर बेस्ट लाइफ। ओके, तो मैम जो है हमेशा कहती है कि मतलब मैम ने हमें कहा है कि आपको जो है एज अ कोच हमें हमारी बेस्ट लाइफ जो है वो जीनी है, जो कि हर्बलाइफ के थ्रू काफ़ी इजी हो जाता है। तो वो बेसिस पे हमारी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। तो फर्स्ट जो पॉइंट था वो पॉइंट था कि इम्प्रूव योर हेल्थ, राइट? और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जो है हमारा हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करना है, और वो पहले तो खुद का हेल्थ हमें इम्प्रूव करना है, और उसके लिए हमें जो हमारा न्यूट्रिशन है वो कंज्यूम करना ही है, और उसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज जो है वो करना है, और बाकी के जो भी हेल्थ रिलेटेड हमें जो भी ज़रूरत है वो हमें फॉलो करना है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि हमारा जो ईगो है वो ईगो जो है हमेशा हमारा डाउन होना चाहिए। कि आप कितने भी बड़े लीडर हो, आपको कुछ भी सक्सेस मिला है, किसी भी फील्ड में मिला है, या आप कितने पढ़े लिखे हो, वो मायने नहीं रखता है। तो आप में क्या हमेशा ऑलवेज डाउन टू अर्थ होना चाहिए। हमें जो भी अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो हमें हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं मैं नहीं आपको हेल्प कर सकता हूँ, या फिर हमें ईगो नहीं दिखता कि हाँ मैं लीडर हूँ या मैं ये लेवल पे हूँ तो मैं आपको हेल्प नहीं करूँगा, या बेसिकली हमें जो है ईगो साइड में रखे जो भी है हमें काम करना। और फिर थर्ड पॉइंट जो है ये है कि अटेंड एवरी ट्रेनिंग, ठीक है। बाय द वे मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या कैसे ट्रेनिंग समझी है उसके बारे में है। तो ऐसे नहीं कि मैम ने सेम टू सेम कहा है, ठीक है, मैंने क्या समझा है वो मैंने लिखा है। ओके, सो मिसअंडरस्टूड नहीं करना। तो अटेंड एवरी ट्रेनिंग, और उसके लिए आपको पैसा जो है वो अरेंज करके रखना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं आ सकती, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नया नया 1,000 2,000 के कपड़े खरीदते हैं, लेकिन हम टिकट के लिए पैसा नहीं रखते। तो क्या ज़रूरी है वो हमें डिसाइड करना है, और वो बेसिस पे हमें प्लानिंग करना है कि अगर ये ट्रेनिंग है पहले उसका जो पैसा है वो हमें साइड में रखना ज़रूरी है। तो ये उन्होंने कहा। फिर हबल लाइफ की वजह से हमें वेकेशंस मिलता है, ट्रैवलिंग करने के लिए मिलता है, राइट? तो वेकेशंस के लिए हमें काम करना ज़रूरी है, वो एक पॉइंट हमें उन्होंने कहा। और आपका नेक्स्ट गोल क्या है वो हमें डिसाइड करना है कि नेक्स्ट गोल क्या है आपका। अभी आप जो भी लेवल पे हो
वो लेवल के बाद क्या आपका गोल है वो डिसाइड करो और उसके बेसिस पे हमें काम करना। ओके, और हर्बललाइफ के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये काफी अच्छी बात की कि हर्बललाइफ के लीडर्स जो है ना वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। तो जो भी लाइफ में पर्सनल लाइफ हो हर्बल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना तो हल्वेज हमें उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना है। तो जैसे कि जो पैंडेमिक आया था उसमें भी हमने सॉल्यूशन निकाला, ऑनलाइन जो है हमने क्लब शुरू किया था तो एक वो सॉल्यूशन ही था, राइट। अभी हम फिर से फिजिकल क्लब शुरू हुए है, इवेंट शुरू हुए, ट्रेनिंग शुरू हुए है, तो हमारा जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमारे जो लीडर्स होते हैं। ओके, फिर लीडरशिप जो है ना वो एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, ना कि सिर्फ पोजीशन। मतलब हम एक सर्टेन लेवल पे है लेकिन उसका एक तो घमंड नहीं होना चाहिए, एक्शन जरूरी है कि हाँ मतलब क्या वो पर्सन वो लेवल के लायक है क्या, ये हमें खुद को पूछना है, राइट। सो लीडर इज एक्शन नॉट पोजिशन। हाँ, तो और एक पॉइंट है, आठवां पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जैसे कि हमारे पर्सनल वेट पे जो है हम रिजल्ट पे हमें फोकस करना है, जो भी करना पड़े आप अपने पर्सनल रिजल्ट के लिए करो। आप काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि मैम मेरा मतलब मैम मैम ने मुझे कुछ हमें जो एग्जांपल दिए तो वो मैं बता रहा हूँ कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, हमें हॉर्मोन्स के प्रॉब्लम है या ये ऑपरेशन हुआ इसकी वजह से हमारा वेट कम नहीं हुआ। मैम ने कहा कि ये सब छोड़ो और फोकस करो कि हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकालो। जैसे उन्होंने कहा कि हर्बललाइफ के लीडर जो है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, तो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फाइंड द सॉल्यूशन, क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है वो ढूंढो और अपना जो खुद का है वो रिजल्ट लाने की कोशिश करो। ओके, सो वर्क ऑन पर्सनल रीजन। फिर है लीड बाय एग्जाम्पल। हम क्या करता है कभी कभी लीडर जो है ना जो हमारे एसोसिएट होते हैं सुपरवाइजर होते हैं उनको बोलते हैं कि आप ये करो आप वो करो लेकिन खुद कुछ नहीं करते। पहले हमें खुद करना है और फिर हमें लोगों को बताना है कि मैंने ये किया है तो आप भी ये करो। ओके, सो ये काफी जरूरी है। फिर हमारा आता है कि हमारा जो मतलब हम जो बोलते हैं ना वो दिखना भी चाहिए, ठीक है। ये उसी के रिलेटेड है कि हम जो भी बोलते हैं वो हमें दिखना चाहिए, ना कि सिर्फ हवे में हमें बातें करना। और हाँ, ट्रेनिंग हो तो कभी भी लीडर जो है हमेशा पहले आता है और सबसे लास्ट आता है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। फिर ऑलवेज फाइंड सॉल्यूशन, राइट, ये हमने पॉइंट पहले भी कवर किया है। तो हमें जो भी है सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, सॉल्यूशन ढूंढते रहना है। फिर डेलीगेट योर वर्क, ऐसे नहीं कि सब आपको सब आता है तो सब आपको करना है, ठीक है। आपको ये तुमने अगर आपका आपको लगता है कि आपका ये जो टाइम है ना ये फालतू कामों में जा रहा है तो उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। काम अपना जो है टाइम अपना किस पे वेस्ट करना है आपको, कि आप जो है बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए। आप लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो, आप अपने लोगों को कैसे ट्रेन कर सकते हो उसके ऊपर फोकस कीजिए, ना कि अरे वो फैमिली का ये प्रॉब्लम हुआ है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, या फिर मुझे घर की काम करना है, मुझे खाना बनाना है, ये करना है वो करना है। तो ये जो काम है ना वो आप किसी और को दो, मेड रखो उसके लिए, उसको पे करो, ठीक है। इवन कोई हमारे ट्रेनिंग्स भी होते हैं ना तो ट्रेनिंग के भी जो काम होते हैं वो आप सब खुद करने की कोशिश मत करो। आप जो भी लीडर से कोचेस से एसोसिएट है उनको दो और उनसे करवा के, ताकि आपका काम जो है वो डिवाइड हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा और आप खुद का बिजनेस के लिए वो यूज भी कर सकते हो। ओके, फिर है ऑलवेज डू थिंग्स विच जनरेट इनकम। यस, तो ऐसे काम हमें करना है जिससे आपका जो बिजनेस बढ़े, राइट, इनकम जनरेट हो या बिजनेस बढ़े, ये आपको हमेशा काम करना है। और हमेशा अपने फील्ड में जो है ना एक्सपर्ट बनना है, कोई भी फील्ड हो।
अर्बन लैब की हो या बाहर की भी हो, तो हमेशा आपके फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना है। आप एज अ कोच हो तो कोच, एज अ कोच आपको 100% परफेक्ट बनना है, राइट। तो जो भी आपको कोच, एज अ कोच बनने के लिए आपको जो भी जरूरी है उसका नॉलेज लो, उसके ऊपर काम करो, ट्रेनिंग्स लो, लीडर्स के साथ मिलो, जो भी सीनियर लीडर है उनसे बात करो और उनसे सब सॉल्यूशन निकाल के आपको एक अच्छा लीडर बनना है, वो फील्ड का एक्सपर्ट बनना है। फिर वो जो भी नॉलेज आप लोगे उसको आपको यूज करना, जब वो यूज नहीं करोगे ना तो वेस्ट है, क्या है, कचरा है, तो ऐसे हमें नहीं करना है। तो वो यूज करो, इम्प्लीमेंट करो, तो उसका फायदा हो सकता है। और अगर आप बिजनेस में कोई भी नो बोलता है तो नाराज नहीं होना है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड नेक्स्ट, कौन दूसरा है, आप काम नहीं करें नो प्रॉब्लम, दूसरे को ढूंढो, दूसरे के साथ काम करो, और कौन है वो आपको वो ढूंढना है कि कौन जो है वो अच्छा काम कर रहा है, उसके साथ हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है। उसमें अच्छी बात थी कि टेल शो ट्राई डू, मतलब कि हमें बताना है, ठीक है, बोलना है, फिर वो करके दिखाना है, ट्राई करना है और वो करना है, ठीक है। टेल शो ट्राई डू, फिर से मैं बताता कि हमें उन लोगों को बताना है और फिर वो करके भी दिखाना है, फिर उनको बोलना है कि अभी आप ट्राई करो और ये खुद करो, ओके। फिर है डू नॉट फोकस ऑन ऑल पीपल हु आर नॉट, हाँ, तो वही सेम कि ऐसे लोगों के ऊपर काम करो जो एक्टिव है और जो आपको बिजनेस दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि पुराने लोग हैं, लोग कभी कभार ऑर्डर डालते हैं या कभी कभार दिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना। तो जो भी पुराने लोग हैं उनको ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस मत दो, हाँ, ऐसे नहीं कि उनसे बात करना छोड़ दो, उनसे बात करनी है, लेकिन हमें जो नए लोग हैं या जो एक्टिव लोग हैं उनके साथ हमें ज़्यादा एक्टिव रहना ज़रूरी। और अलवेज कंप्लेंट मत कीजिए कि अरे हमारे सिस्टम में ये नहीं है, हम लैब में ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो ऐसे बात करता है, ये ऐसे करता है, कंप्लेंट मत करो, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हमें बिजनेस करना है और बिजनेस करने वाले कंप्लेंट नहीं करते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, राइट। वो ऐसे सोचते कि ठीक है चलो नो प्रॉब्लम, तो नो प्रॉब्लम एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। फिर आता है लीडर टू डेली वर्क टू क्रिएट रिजल्ट, यस। तो लीडर जो है ऑलवेज डेली वर्क करते हैं कि नए नए लीड जनरेट कैसे होंगे, उसके लिए हमारा HOMs होते हैं, हमारा हैप्पी टू हेल्प होता है, काफ़ी लोग लाइफस्टाइल डेज करते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हमें क्या है, ऑलवेज जो है डेली कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी है ताकि हम रिजल्ट जो है वो जनरेट करें, लीड जनरेट कर। और इनविटेशन, उसके लिए हमें इनविटेशंस करना है, डेली इनविटेशंस। अगर हम डेली इनविटेशन नहीं करेंगे तो फिर लीड्स कैसे जनरेट होंगे, हमारे लोग कैसे आएंगे इवेंट में, तो हमारे लोग जो है वो इवेंट में आने जरूरी है, ओके। क्योंकि मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी होता है, इंस्पिरेशन जो है वो परमानेंट होता है। तो आप जो है लोगों को सिर्फ मोटिवेशन मत दो, आप करके दिखाओ, ठीक है, तो वो इंस्पिरेशन मिलेगा और हमारे लोग काम करेंगे। और एक है, हाँ, एज अ लीडर हमारा मिनिमम जो है 2500 वॉल्यूम पॉइंट जरूरी होता है, लेकिन 2500 वॉल्यूम पॉइंट का अगर गोल रखोगे ना तो उतना भी नहीं होगा। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए 5000 वॉल्यूम पॉइंट या 10000 वॉल्यूम पॉइंट, तब जाके कहाँ ही कहीं पे तो हमारा 2000 वॉल्यूम पॉइंट हो सकता है। तो वर्क ऑन हायर वॉल्यूम पॉइंट्स, नॉट स्मॉल वॉल्यूम पॉइंट्स, ओके। फिर दूसरा है स्टोन्स के ऊपर काम करना है, वर्क फॉर स्टोन, मतलब जैसे 3 stone, 5 stone, 10 stone जो होता है, अभी तो 12 stone आ गया है, 15 stone आ गया है, ओके। तो उसके ऊपर हमें काम करना है, हमारे जितने भी फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स हैं उनको हमें सिखाना है, पहले तो हमें खुद करना है और हमारे फर्स्ट लाइन को हमें सिखाना है कि 2500 हमें मिनिमम कैसे करना है, राइट। तो वो हम करेंगे तो हम
जो है स्टोन जो है क्वालिफिकेशन वो फिर आता है कि मिनिमम जो है एटलीस्ट 30 कस्टमर्स होने चाहिए अगर आपको ये 2,500 वॉल पॉइंट्स करना है, तो 30 कस्टमर्स डेली के वॉल्यूम्स अगर करते हैं या फिर आप डेली भी नए कस्टमर बनाते हो तो भी आपका हो सकता है। तो मिनिमम 30 कस्टमर्स के ऊपर आपको काम करना है, मतलब 30 कस्टमर्स आपके होने चाहिए। और वर्क ऑन पर्सनल गोल तो 2,500 आपके पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट्स होने चाहिए। ओके फिर है 2,500, जैसे कहा कि ये सर्वाइवल पॉइंट्स वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं, और 5,000 जो है वो ग्रोथ मोड्स के वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं, फिर 10,000 जो है ना वो सुपर फास्ट मोड के वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं। तो इसलिए हाइयर वॉल्यूम पॉइंट्स के ऊपर हमें काम करना। और ये कोई भी बिजनेस हो उसमें अप एंड डाउन ये चलता रहता है, तो कभी भी नाराज नहीं होना है, दुखी नहीं होना है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मैं ही क्यों ऐसा हूँ, सिस्ता हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस रखना है क्योंकि ये अप एंड डाउन होता रहता है, हमें काम करते रहना है, काम करते रहना है, वर्क 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 वर्क। तो उसके लिए क्या हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या हमें करना है, तो पहले तो इनविटेशन स्किल्स जो होती है वो हमें इम्प्रूव करना है, इनविटेशन स्किल इम्प्रूव करना है, उसमें मास्टर हमें बनना है। फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स हमें इम्प्रूव करना है, फिर फॉलोअप स्किल जो है वो हमें इम्प्रूव करना है। अगर ये आपको नहीं आते तो जिनको आता है उनको पूछो कि आप ये कैसे करते हो, आप इन्विटेशन कैसे करते हो, आप प्रेजेंटेशन कैसे करते हो, फॉलोअप कैसे करते हो, वो आपको पूछना है। ओके तो जैसे कि लर्न प्रैक्टिस एंड मास्टर, ये तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना। ओके और एक काफी अच्छी बात कही थी कि उन्होंने कि एवरी 5 ईयर सिस्टम विल चेंज, मतलब 5-5 साल बाद हमारा जो सिस्टम है या वर्क का फ्लो है ना वो हमारा चेंज होता रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो वैसे 5-5 ईयर्स में हमारा वो चेंज होता है कि पहले हम ऑनलाइन नहीं करते थे लेकिन देखो हम अभी हम ऑनलाइन करने लगे। पहले यूट्यूब चैनल्स उतना नहीं देखता था लेकिन अभी अब ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, लोग एजुकेट हो रहे हैं यूट्यूब से भी। ओके तो वो फर्क आता है। अभी 5 साल बाद में भी और कुछ आएगा, एक AI भी आया है, आपको शायद मालूम है, मालूम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो वो टेक्नोलॉजी आई है तो अभी वो भी काफी लोग यूज कर रहे हैं। ओके और फिर आता है, हाँ अभी हमारा चलो ये तो हो गया 2-5 का। अगर आपको गेट टीम बनना है ठीक है, तो गेट टीम बनने के लिए हमें हमारे टीम में 250 पीपल हमें चाहिए जो एक्टिव है, जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, तो उनके बेसिस पे हमारा गेटिंग हो सकता है। हाँ हालांकि हमारे पास सुपरवाइजर होने चाहिए लेकिन टोटल हम बात करें ठीक है, उसमें से मे बी आपके पास 10 से 15 सुपरवाइजर हो तो उनके बेसिस पे आप गेटिंग बन सकते हैं। ओके हाँ आपकी जो अर्निंग है, मतलब आप जो भी कमा रहे हो ना, वो ध्यान में रखना है कि सुपरवाइजर्स के पर्सनल वॉल्यूम से आ रही है। तो हमें फोकस क्या करना है, सुपरवाइजर्स के पर्सनल वॉल्यूम हो रहे क्या उसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो हमारा क्या है, गोल क्या है, तो 2,500 वॉल्यूम पॉइंट जो है वो आप कैसे कर सकते हो, तो आप जो है 30 डेज के लिए वो डिवाइड कर सकते हो कि एवरी डे आपको कितना वॉल्यूम्स करना है, और वो बेसिस पे आपको एवरी डे रिटेल होना चाहिए, एवरी डे के आपके वॉल्यूम्स पढ़ने चाहिए। तो अगर 5,000 करना है या 10,000 करना है तो वो बेसिस पे आप 30 डेज को डे से उसको डिवाइड करके आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हो। और हाँ आपकी सिस्टम, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, अरे मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, मेरे सिस्टम में वो प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी सिस्टम अच्छी है, इसकी सिस्टम अच्छी है, उसके सिस्टम में काफी अमेजिंग होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ध्यान में रखना है आपकी खुद की जो सिस्टम है ना वही बेस्ट है ठीक है। तो इधर उधर
झांकना नहीं है, देखना नहीं है, आपके जो सिस्टम जो है, मतलब जिन्होंने भी आपके सिस्टम बनाए हैं ना, ये ध्यान में रखना है कि उन्होंने भी कई और से सीखी है और वो सक्सेसफुल सिस्टम के बेसिस पे ही वो हमें आज सिखाते हैं, राइट। तो आपके खुद के सिस्टम पे एक तो विश्वास रखना है। फिर आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा राइट पर्सन है जो आपका आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, या कौन वेट लॉस के लिए है, ठीक है। तो वो आपको खुद को ढूंढना है, ऐसा नहीं कि अगर आपको लगे कि हाँ ये पर्सन है और ये हमें बिजनेस आगे लेके जा सकता है, लेकिन कभी कभी वही बंदा बीच में छोड़ के जाता है या बिजनेस देता नहीं, और जिसके ऊपर विश्वास नहीं होता है वो काफी अच्छा बिजनेस करता है। तो आपको राइट जो पर्सन है या पीपल्स है ना, उनको पहचानना जरूरी होता है। ओके, दूसरा, ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, राइट। और काफी अच्छी बात है ये कि आपको जो रिस्पेक्ट देते हैं ना, उनके साथ ही काम करो। ओके, हेल्प एसोसिएट टू, हाँ, फिर एसोसिएट को आपको हेल्प करना है कि उनको ये जो भी गोल है या उनको कस्टमर्स कैसे मिल सकते हैं, उनको आप हेल्प कीजिए, उनके रिटेल करने में हेल्प कीजिए, उनको सिखाइए बेसिकली, ताकि उनको उनका रिटेल हो जाए, उनको इनकम मिल जाए, ताकि वो नेक्स्ट लेवल के लिए सोच सकते। फिर इम्प्रूव योर पर्सनल वॉल्यूम्स, खुद के वॉल्यूम के लिए काम करो, खुद का वॉल्यूम भी होना जरूरी है। एक हमने चरणजीत सिंह के सर में, हम सर के ट्रेनिंग में हमने सुना था कि दोपहर तक जो है आप खुद के लिए काम करो, दोपहर के बाद जो है आप अपने डाउनलाइन के लिए काम करो, राइट। सो अमेजिंग बात है ये। फिर वर्क ऑन रिलेशनशिप, हाँ, तो जो भी है कस्टमर है या कोचेस है, उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन होने जरूरी, मतलब ऐसे रिलेशन जैसे हमें अलविद कहा जाता है कि जो भी कस्टमर्स है ना, उनके उनको बच्चों की तरह संभालो, राइट। तो अगर आप बच्चों की तरह संभालोगे ना, तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। और अगर वो एसोसिएट है, कोचेस है, तो उनके जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर आप सॉल्यूशन निकालो या उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके दो, ताकि उनको वो कहीं पे भी ये ना हो जाए कि उनको कभी कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो जाए। आप उनके कस्टमर्स के साथ बात कीजिए, उनके जो भी नए कोचेस हैं उनके साथ बात कीजिए, ओके। और क्या है, हाँ, और ऐसा काम मत कीजिए कि जिसकी वजह से दूसरों का बिजनेस खराब हो जाए। कभी कभी होता है कि कोई दूसरे का कस्टमर आता है कि आप हमें हेल्प करो, और फिर हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है आप मेरे इधर आ जाओ, फिर उसका बिजनेस जाने दो, फिर हम उसके बारे में बुरा बोलते हैं और उनका बिजनेस खराब करने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें ऑलवेज जो फोकस है अपना खुद के बिजनेस के लिए करो, दूसरे की बुराई के बारे में मत सोचो, क्योंकि जिस जो दूसरों की बुराई के बारे में सोचेगा तो सोचना उसका भी बुरा ही होने वाला है, ओके। फिर हम जाते हैं, और एक और क्या पॉइंट है, हाँ, यस, नो, आपको काफी सारे नो मिलते रहेंगे, तो जितने नो आपको ज्यादा मिलेंगे, आप सोचिए उतना सक्सेस आपको मिलेगा, उतना सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। तो नेक्स्ट कौन है, सो नेक्स्ट हु इज नेक्स्ट, नेक्स्ट के नेक्स्ट को ढूंढना है हमें। और आते हैं फिर अपग्रेड योर स्किल्स, तो स्किल्स को आपको अपग्रेड करना है हमेशा, कि आप कौन से आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर स्किल में मैं थोड़ा वीक हूँ, तो आप उसको अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए। हाँ, कभी मेरा पर्सनल ये है कि कभी कभी होता है कि सबको कोई भी चीज़ सबको नहीं आती है, तो मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ आती है ना वो और ज़्यादा बेहतर करो, राइट। तो और आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, और बाकी का जो है आप बेसिक नॉलेज या इंफॉर्मेशन लेके रख सकते हो। और स्पेक्टेकुलर आ रहा है, तो एवरी स्पेक्टेकुलर के लिए आपको काम करना है, आप अपने एसोसिएट को बताना है कि क्या है क्वालिफिकेशन, और वो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको काम करना है, ठीक है। और मैक्सिमम जितने लोग मैक्सिमम एसोसिएट आपके साथ आएंगे, उतना आपका बिजनेस जो है नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। तो नंबर्स के लिए काम कीजिए, और मैजिक नंबर क्या है, तो 10 नए लोग
एवरी मंथ आपके सिस्टम में आने चाहिए या आपके पर्सनल फर्स्ट लाइन में आने चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, और ये गेटिंग के बारे में हमने बताया था कि 10 से 15 सुपरवाइजर आपके 3 लेवल्स पे होने चाहिए ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सके। और हमारा गोल होना चाहिए एक्टिव सुपरवाइजर, तो अगर आप लोग एक्टिव सुपरवाइजर नहीं हो तो एक्टिव सुपरवाइजर के लिए हमें काम करना है। और एवरी क्वालिफिकेशन जो है कोशिश करना है कि वो क्वालिफाई हो, ठीक है, तो ही हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और फोकस ऑन वेकेशन, मैंने फर्स्ट पहले भी कहा था कि वेकेशन के ऊपर हमें फोकस करना है। और जिन्होंने मतलब काफ़ी ट्रेनिंग में मैंने पर्सनली सुना है कि मैंने वेकेशन पे फोकस किया तो मैं मेरा ये सब होने लगा, तो इसका मतलब यही है कि हमें वेकेशन के ऊपर फोकस करना है। और क्या है, कम प्रोफेशनल्स, हाँ, और हमें थोड़ा प्रोफेशनल और स्टैंडर्ड होना है ताकि हम ज़्यादा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है बिल्ड करें। ऐसा नहीं कि हाँ चलो आया गया जो भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है कि कोई आजू बाजू के लोग बोलते हैं अरे मैं मुझे आपके सिस्टम में आना है, मैं आऊँ क्या, वो आऊँ क्या, तो हम यही कहते हैं कि आपके जो जो सिस्टम है ना वही बेस्ट है, तो आप उनके सिस्टम में ही काम कीजिए। तो आपको प्रोफेशनली जो भी सिस्टम है वो प्रोफेशनली होना चाहिए, ठीक है, और तो जाके आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है और अच्छा बिल्ड हो सकता है। फिर आता है नेवर गिव अप, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए आपको हबल लाइफ नहीं छोड़ना है, नेवर गिव अप, ठीक है। प्रॉब्लम्स जैसे पहले भी कहा था, प्रॉब्लम्स आते जाते हैं लेकिन हमें ये बिजनेस छोड़ना नहीं है, क्योंकि लोगों को काफी सालों बाद भी लोग प्रेसिडेंट टीम बन रहे, 20-20, 27-27 साल भी प्रेसिडेंट टीम बन रहे, राइट। तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए एक ना एक दिन आपके साथ भी होगा और काफी अच्छा होने वाला है। और एक रोल मॉडल बनना है आपको कि अच्छा ऐसे काम करो कि आपको देख के लोग बोले कि हाँ कि मुझे इसके जैसा बनना है, कि ये मेरा आइडियल है, ऐसे आपको काम करना है। फिर एक्टिव वर्टिंग, राइट, तो कभी करना है, लिखिए आप अपने डायरी में कि आपको एक्टिव वर्टिंग कभी करना है, आपको गेट टीम कभी करना है, आपको मिल टीम कभी करना है, आपको प्रेसिडेंट टीम कैसे करना है, वो लिखिए, वो डिसाइड कीजिए, डेट लिखिए, और वो करने के लिए आपको क्या काम करना है वो भी आपको लिखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट गोल्स बनाना है। वो स्मार्ट गोल जो होते हैं ना, सिस्टमेटिक, मेटेरियलिस्टिक, और वो बेसिस पे आपको आपको काम करना है। फिर क्या है, फर्स्ट लाइन, मैक्सिमम फर्स्ट लाइन आपको करना है, और वर्क फॉर मोर लीड्स डेली, आपको जो है डेली काम करना है, डेली वर्क करना है, राइट। तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स मैंने लिखे थे और आपके साथ मैंने वो शेयर की है, और ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बात की है। तो ये बेसिक जो है उसके बेसिस पे ही आपको, मुझे लगता है काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन मैंने दिया है, उसके ऊपर आप काम कीजिए, आपके लोगों को भी बताइए और सक्सेसफुल बनना है। हमें साथ में सक्सेसफुल बनना है। और आपके कुछ राय रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, कुछ सजेशन रहेंगे तो लिखिए। आप अगर आप लोगों ने भी ये ट्रेनिंग अटेंड किया है और मेरे से कुछ पॉइंट मिस हुआ है तो वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, ताकि ये आपके थ्रू मुझे भी पता चले, बाकी लोगों को भी पता चले, राइट। सो इसी के साथ साथ ये आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। आई होप काफ़ी सारे आंसर्स मैंने दिए है और काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर किए। सो थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।